आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ बहुत सारा पानी आ रहा है। शहर का सारा पानी यहीं आता है हल्द्वानी में, तो सरकार अभी कोई इसका कोई निर्णय नहीं निकाल रही है और इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हाल है रोड। ये देखिए, ये हल्द्वानी छड़ैल से नीचे हिम्मतपुर बैजनाथ गांव रौले की चपेट में सब ग्रामवासी परेशान हैं। इस रौले का कोई निवारण नहीं हो रहा है। देखिए, इस पानी की भयंकर आपदा में ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। सरकार से अनुरोध है कि कुछ बड़ा फैसला लिया जाए ताकि ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना हो, तुरंत इसमें कोई निर्णय लिया जाए। ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। इतने भयंकर रौले में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, देखो गिर गए हैं। अब यहाँ की सरकार ऐसी है, बताओ, कोई इतना बड़ा फैसला ही नहीं ले रहे हैं ताकि कोई का कोई सलूशन नहीं है। ना किसी विधायक ने, ना किसी प्रधान ने कोई इसका सलूशन नहीं निकाला है। इससे ग्राम वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी मात्रा में पानी है, ये देखिए, लोगों का चलना दुश्वार हो चुका है इस रोड में। और बहुत से नए लोगों ने यहाँ प्लॉटिंग करके मकान बनाया है, बहुत परेशान हैं। लोगों के घर आधे पानी में डूब चुके हैं। देखिए, रोड में चलना दुश्वार हो चुका है लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई सरकारी अफसर इसको देखे तो कुछ फैसला लें।